संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी वीजा पॉलिसी में पिछले महीने जिन बदलावों का ऐलान किया था वो 3 अक्टूबर को लागू हो गए हैं। देश की इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के तहत लागू नए वीजा नियमों के तहत पर्यटकों के लिए लंबी अवधि के वीजा, पेशेवरों के लिए लंबे वक्त तक रहने की सुविधा दी गई है। एंटरप्रेन्योर, निवेशक और पेशेवरों के लिए 10 साल की नई गोल्डन वीजा स्कीम लागू की गई है। भारत के लिए यूएई के इन बदले नियमों की काफी अहमियत है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय पेशेवर और श्रमिक वहां पर काम करते हैं। यूएई में 34 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, इनमें सबसे ज्यादा तादाद केरल के लोगों की है जो वहां रोजगार और बिजनेस के लिए जाते हैं। ग्रीन वीजा का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को होगा। हाल के वर्षों में इसे यूएई की नीतिगत फैसलों के सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। यूएई सरकार के मुताबिक देश में ज्यादा निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए नई नीति लाई गई है। भारतीय पर्यटकों की भी खासी तादाद हर साल यूएई जाती है। जानते हैं आखिर नई वीजा नीति की क्या खासियतें हैं और इससे यूएई और भारतीयों को क्या फायदा होगा। ग्रीन वीजा। ग्रीन वीजा के आधार पर अप्रवासी वहां 5 साल तक के लिए रह सकते हैं। इसे रिन्यू भी कराया जा सकता है। ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा होगा, यानी इसके लिए यूएई के नागरिक नियोक्ता को यहां आने वाले लोगों का वीजा स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं होगी। फ्रीलांसर, अपना रोजगार करने वाले कुशल श्रमिक, निवेशक या उनके पार्टनर इस वीजा के हकदार होंगे। ग्रीन वीजा होल्डर को ज्यादा फायदा मिलेगा। वो अपनी पत्नी या पति, बच्चों और नजदीकी रिश्तेदारों को वहां रहने के दौरान साथ रख सकेंगे। माँ बाप 25 साल तक के अपने बच्चों को वहां रख सकेंगे। पहले ये उम्र 18 साल तक की थी। अविवाहित पुत्री या विकलांग बच्चों के केस में ये उम्र सीमा लागू नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर को रेजिडेंस पीरियड खत्म होने पर 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब आता है 10 साल का गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा यूएई में निवेश करने वाले विदेशी एंटरप्रेन्योर, रिसर्चर, मेडिकल प्रोफेशनल, विज्ञान और संबंधित फील्ड में काम करने वाले विशेषज्ञों और बेहद प्रतिभाशाली छात्रों और ग्रेजुएट्स को दिया जाता है। यूएई में बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए 2020 में गोल्डन वीजा स्कीम लागू की गई थी। गोल्डन वीजा स्कीम के तहत मिलने वाले वीजा की अवधि 10 साल तक होगी। गोल्डन वीजा धारकों को कई सहूलियतें हासिल होंगी। इनमें उनके बिजनेस पर उसका 100% मालिकाना हक होगा। पहले देश से 6 महीने बाहर रहने वाले लोगों को वहां रहने का अधिकार खत्म कर दिया जाता था, लेकिन 10 साल की गोल्डन वीजा स्कीम में यह प्रतिबंध अब खत्म कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत अप्रवासियों के घरेलू सहायकों की संख्या पर लगी सीमा हटा दी गई है। नई स्कीम में गोल्डन वीजा होल्डर अपने जीवन साथी और किसी भी उम्र के बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर गोल्डन वीजा होल्डर की मौत भी हो जाती है तो वीजा अवधि खत्म होने तक उसके परिवार के सदस्य वहां रह सकते हैं। गोल्डन वीजा के तहत साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी, बिजनेस, प्रशासन और शिक्षा से जुड़े कुशल पेशेवर को यूएई में रहने की इजाजत दी जाएगी। पहले ऐसे पेशेवरों को वहां रहने के लिए हर महीने 50,000 AED यानी दिरहम यानी लगभग 11 लाख रुपए से ज्यादा वेतन हासिल करना होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 30,000 AED यानी लगभग 6.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा एक फ्लेक्सिबल मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा भी शुरू किया गया है, जिसमें पर्यटक 90 दिनों तक वहां रह सकता है और इस दौरान कई बार आ जा सकता है। यूएई में बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। यूएई का शहर दुबई बड़ा इंटरनेशनल शॉपिंग डेस्टिनेशन भी है। नई वीजा पॉलिसी की वजह से वहां नौकरी के लिए जाने वाले लोगों के लिए स्पॉन्सर या होस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तय पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के तहत आने वाले पेशेवरों और दुनिया के 500 शीर्ष विश्वविद्यालयों के नए ग्रेजुएट जॉब वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूएई में भारत के 34 लाख लोग रहते हैं और ये वहां का सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूएई का भारत में लगभग 2.25 अरब डॉलर का निवेश है। इसमें से 1.16 अरब डॉलर FDI के तौर पर है, बाकी पोर्टफोलियो निवेश है। FDI के लिहाज से भारत में निवेश करने वाला यूएई 9वां बड़ा देश है। भारतीय कंपनियों का भी यूएई में निवेश बढ़ा है। भारतीय कंपनियों का यूएई में निवेश 85 अरब डॉलर का हो सकता है। यूएई के केंद्रीय बैंक के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक दुबई में काम करने वाले भारतीयों ने देश को 17.5 अरब डॉलर से ज्यादा भेजे थे।